और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पराली जलाने से प्रदूषण का संकट बढ़ गया है। एमपी में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने में देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है एमपी। तो चंबल से ग्वालियर तक किसान पराली जला रहे हैं। बुंदेलखंड से नर्मदापुरम तक खेतों से धुआं उठ रहा है। चंबल से ग्वालियर तक किसान पराली जला रहे हैं। पराली जलाने में जलाने पर इन दिनों रोक होती है। नियमों के खिलाफ यह है क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है आसपास के राज्यों में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हर साल ये देखा जाता है और पराली जलाने वालों के खिलाफ फाइन भी लगाया जाता है, उसके बावजूद लोग पराली जलाने से पास नहीं आते। मध्य प्रदेश ने पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। हालात ये हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहने लगे हैं कि पराली का ये धुआं दिल्ली को भी प्रदूषित कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हवाओं का रुख उत्तर ही नहीं है तो दिल्ली पहुंचने की कोई बात ही नहीं हो सकती, पश्चिमी रुख है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में जंगलों का एक तरह से कवर है और दूसरे प्रदेशों में जाने की जो बातें कही जा रही हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। फिर भी जैसे सर्दियाँ नज़दीक आती हैं मध्य प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाएं एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अगर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ही बात करें तो पिछले एक महीने में राज्य में पराली जलाने के 1200 से अधिक मामले आए हैं। सारे इलाके, फिर चाहे मुरैना, भिंड और गुना की बात कीजिए या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ऐसे तमाम आप इलाकों की बात कीजिए, ये जो पराली देख रहे हैं आप कितनी धू धू करके आग जल रही है। और ऐसी घटनाओं से जाहिर सी बात है कि प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI है उसको प्रभावित कर रहा है। बच्चों, बुजुर्गों में सांस लेने की बीमारियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जो विशेषज्ञ हैं वो भी बताते हैं कि कई हानिकारक गैस इससे निकलती है और मिट्टी की जो उर्वरक ताकत है, उर्वरता है, वो भी इससे प्रभावित होती है। और ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि कई सारे सुलभ और सस्ते विकल्प हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह से आग देखिए यहाँ धू धू करके इस खेत को भी आगे जो पराली है वो उसको आगे बढ़ती जा रही है और किस तरह से एक धुएं का एक मोटा गुबार सा यहाँ पर उठ रहा है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे इलाके हैं जो आदिवासी बहुल, जैसे मंडला है, बालाघाट है, जहाँ धान बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये इन इलाकों में पराली जलाने की सबसे कम घटनाएं होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ के आदिवासी किसान आज भी परंपरागत तरीकों पर यकीन करते हैं और ये जो पराली बच जाती है, आप देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि मैं थोड़ा आगे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पराली बच जाती है, दरअसल इसका इस्तेमाल वो पशुओं को चारा खिलाने के रूप में, जो उनके मवेशी हैं उनको चारा खिलाने के तौर पर करते हैं। और कुछ ऐसी बेलर मशीनें हैं जो दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं और वो पराली ना के बराबर जला रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में घटनाएं सबसे ज़्यादा हैं तो जो आदिवासी बहुल मंडला बालाघाट है वहाँ सबसे कम है। वहाँ के आदिवासी किसान आज भी परंपरागत तरीकों पर यकीन करते हैं क्योंकि ऐसे पराली जलाने से जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, जो इसमें सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो वो इन तरीकों पर पराली जलाने पर यकीन नहीं करते और इस तरह का धुआं आपको उन इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। नर्मदापुरम से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV।